हेलो फ्रेंड्स, अगेन विद अ न्यू टॉपिक, न्यू वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो। तो वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, क्यों ज़रूरत है? फिलहाल तो बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं और एप्स भी हैं जो अभी तक इंडिया में रिलीज़ नहीं हुए, दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में हैं और इंडियंस भी चाहते हैं उन्हें यूज़ करना, लेकिन कैसे कर सकते हैं? उन्हें यूज़ करना है तो सिंपली हमें वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा। और वीपीएन का काम ये होता है कि हमारे सर्वर को छुपाकर किसी और सर्वर को दिखाएगा, मतलब वो कनेक्ट कर सकता है, चाहे तो जैपनीज सर्वर हो गया, यूके सर्वर हो गया, यूएसए, बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनके सर्वर से हमें कनेक्ट कर देगा और इजिली हम उन एप्स को और गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, पबजी इंडिया में बैन है, लेकिन उसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग वीपीएन के हेल्प से। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्ट करना इजी है, बस इसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। प्ले स्टोर में बहुत सारे हैं, जनरली लोग इसी तरीके को यूज़ करते हैं किसी भी वीपीएन से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके फ़ोन में भी एक ऐसी सेटिंग आती है जो हमें वीपीएन से कनेक्ट कर सकता है बिना किसी ऐप के? हमें कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उस सेटिंग्स को कैसे एक्सेस करना है, क्या उसमें प्रोसेस है, सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। सिंपल है, कोई भी ट्राई कर सकता है। सबसे पहले जिस भी वीपीएन में हमें कनेक्ट करना है उस वीपीएन का एड्रेस चाहिए होगा। कैसे मिलेगा? वीपीएन गेट नाम से एक वेबसाइट है जिसमें आपको जाना है और ढेर सारे जितने भी आपको सर्वर्स होते हैं उनके एड्रेसेस मिल जाएंगे। एड्रेस को बस क्या करना है, कॉपी कर लेना है। फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है। अगला प्रोसेस है, फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और वीपीएन सेटिंग्स को ओपन करने के बाद प्लस आइकॉन या फिर ऐड जो भी हो उस पर क्लिक करना है। ज़रा से भी मिस्टेक की है तो आपका वीपीएन कनेक्ट नहीं होने वाला। तो जैसे जैसे बताता हूँ वैसे सिंपली प्रोसेस को फॉलो कीजिए। पहला स्टेप, वीपीएन टाइप को सेलेक्ट करना है L2TP/IPSEC PSK। इसके अलावा किसी दूसरे टाइप को सेलेक्ट कभी मत कीजिएगा। तो दोबारा बोलता हूँ, L2TP/IPSEC PSK इसे सेलेक्ट करना है। अगले टैब में आपको एड्रेस जो भी कॉपी किया था आपने उसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जितने भी बॉक्सेस हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ VPN टाइप करना है। स्मॉल लेटर्स में VPN सभी के सभी बॉक्सेस में लिख दें। आप VPN नेम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन दूसरे जितने भी बॉक्सेस हैं वहाँ VPN होना चाहिए छोटे अक्षरों में। अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब सेव करना है, उसके बाद कनेक्ट करने का ट्राई करना है। थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं होता तो दोबारा ट्राई करें या फिर दूसरे एड्रेस को इसी प्रोसेस के हेल्प से सेव करना है और उसे भी ट्राई करना है। तो फिलहाल के लिए वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो कमेंट भी कर सकते हैं।